All right. So we were talking about, you were to talk about the business markets, business buyer behavior, the business buying process, e-procurement, buying on the internet, and institutional and government markets. ये हमने कहा था कि बात करेंगे बिजनेस मार्केट्स क्या है. बेसिकली दिस इज वी नीड टू स्टडी इज द बिजनेस बायर बिहेवियर. बिजनेस बायर बिहेवियर क्या होता है? बिजनेस बायर बिहेवियर इनफैक्ट रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दैट बाय गुड्स एंड सर्विसेस for use in production of other products and services that are sold, rented or supplied to others. ठीक है जी. के business markets में जो customers होते हैं वो अशिया या खिदमात खरीदते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे मजीद चीजें बनाते हैं, असेंबलिंग में इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद उनसे उन चीजों को या तो बेचते हैं या किराए पे देते हैं दूसरों को. तो ऐसे बायर्स को हम कहते हैं कि ये बिजनेस बायर होते हैं. तो बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या है? Business buying process is the process where business buyers determine which products and services are needed to purchase and then find, evaluate and choose among alternative brands. वो ये देखते हैं सबसे पहले कि हमें किस तरह की चीजें चाहिए, कैसी चीजें चाहिए, फिर उसके बाद उसमें choices क्या हैं, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और फिर बाइंग डिसीजन करते हैं कि हमने कौन से ब्रांड्स खरीदने हैं, किस ब्रांड की कौन कौन सी चीजें खरीदनी. देन जो बिजनेस मार्केट्स हैं उसमें शामिल है एक तो एनवायरमेंट, दूसरा बाइंग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस. यानी जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इन द मिडल और एनवायरमेंट जो है दैट इज इन द स्टार्ट. सबसे पहले एनवायरमेंट होता है. एनवायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को और रिजल्टेंटली जो बायर है वो कुछ रिस्पॉन्सेज में से एक रिस्पॉन्स चुनता है. आइए पहले देखते हैं कि एनवायरमेंट क्या है. एनवायरमेंट में एक तो मार्केटिंग स्टिमुलाइज है. मार्केटिंग स्टिमुलाई क्या है? वही चार पीस, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. प्रोडक्ट इटसेल्फ बहुत अच्छी है जो आपको इम्पैक्ट कर रही है और आपको बता रही है कि आई एम टू गुड टू बी नॉट टू बी बॉट और आई एम सो गुड दैट आई शुड बी बॉट. या प्रोडक्ट की प्राइस एकदम इतनी नीचे आ गई है कि आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है. फिर आपके नजदीक जो एक्सेस है, जो शख्स है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके बहुत करीब है और आपको आसानी है वहां से खरीदने में. फिर प्रमोशन, उसकी जो कोई प्रमोशन चल रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रही है, विच इज सो इम्प्रेसिव दैट यू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट इट. समझ आ रही बात की? आवाज आ रही है मेरी? यस सर समझ आ रही है, आवाज भी आ रही है. चलो गुड. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो बेशक पूछ लीजिएगा. ओके. तो
इसके अलावा जो अदर स्टिमुलाय हैं दैट कैन बी एक्सटर्नल स्टिमुलाय, यानी कि कंपनी के बाहर के स्टिमुलाय, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस उस मुल्क की, उस शहर की, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशंस विच ऑलवेज कीप चेंजिंग, और चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी बहुत सारी जो नई चीजें हैं उसकी रिक्वायरमेंट पैदा करती है, और बहुत सारी जो चीजें पहले से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके लिए रिडंडेंट हो जाती है। फिर सियासी हालात खासतौर पे वो जो के कारोबार को मुतासर करते हैं वो भी बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करती हैं, टू इंक्रीज बाइंग और टू डिक्रीज बाइंग। फिर कल्चर वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, एंड दीज कल्चरल स्टिमुलाय आल्सो इम्पैक्ट ऑन द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड एज टू व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। सिमिलरली एक और इसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट स्टिमुलाय है और वो है आपका कॉम्पिटेटर, कि जो आपका कॉम्पिटेटर जो आप बना रहे हैं, जो चीज आप असेंबल कर रहे हैं उसके यकीनन और भी कॉम्पिटेटर है जो आप जैसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आप जैसी प्रोडक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, आपसे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स में असेंबल कर रहे हैं। सो व्हाट दे आर यूजिंग, व्हाट इज देयर प्राइस, व्हाट इज देयर कॉस्ट, एंड हाउ दे आर रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप कोई चीज को खरीदने या ना खरीदने का फैसला करते हैं। अब ये सारी जो स्टिमुलाय हमने डिस्कस किए, जिनमें चार मार्केटिंग स्टिमुलाय हैं और पांच अदर स्टिमुलाय हैं, ये सारे अपने अपने तौर पे इम्पैक्ट करते हैं बाइंग सेंटर को। बाइंग सेंटर क्या है? बाइंग सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कोई चीज बना रही है या असेंबल कर रही है या प्रोसेस कर रही है उसका एक बाइंग सेंटर है। ये जो स्टिमुलाय हैं एनवायरमेंटल, ये उसको इम्पैक्ट करते हैं, और उस बाइंग सेंटर के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जो कि इंटरपर्सनल लेवल पे है और इंडिविजुअल लेवल पे है। ये फिर आगे जाके अपना रिस्पांस देता है, और ये रिस्पांस जो है ये इन द शेप ऑफ बाइंग और प्रोडक्ट और सर्विस चॉइस, उसमें से आप कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, किससे सर्विस खरीदनी है, किससे सर्विस नहीं खरीदनी, सप्लायर चॉइस, जो आपने प्रोडक्ट तय कर ली कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है, उसके फिर अदर मेनी सप्लायर्स हो सकते हैं, कई पॉसिबल कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं जो कि सिमिलर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो। तो दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप उन सप्लायर्स में से चूज करते हैं कि हमने किस सप्लायर के साथ जाना है, किस सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदनी है। Then another important response is in the shape of quantity to be purchased, कि जो हम खरीदना चाह रहे हैं उसका साइज क्या होगा, कितना नंबर होगा, कितनी क्वांटिटी है जो कि हमने खरीदनी है। Then delivery terms and times, के product जो है वो हमें कितने अरसे में मिलेगी, कितनी देर में मिलेगी, और कहाँ पे मिलेगी, हमें जाके लाना पड़ेगा या सप्लाई यहाँ पे मिलेगी, और ऑर्डर में और डिलीवरी में अंदर कितना टाइम, कितना गैप होगा। देन सर्विस टर्म्स, कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद प्रोडक्ट जो है वो कोई प्लांट भी हो सकता है, प्रोडक्ट कोई मशीनरी भी हो सकती है, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या है, कौन सी जो चीजें हैं वो आपको कौन कौन सी खिदमात जो है वो खरीदारी के बाद जो सेलर है या सप्लायर है आपको देगा।
देन ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ऑल्सो ए बायर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड पेमेंट. दैट व्हाट इज द पेमेंट टर्म्स, कितनी देर में पेमेंट देनी है, क्या एडवांस पेमेंट भेजनी है या कैश ऑन डिलीवरी है या क्रेडिट अरेंजमेंट है. सो दैट इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्स एंड दिस ऑल्सो बेसिकली इम्पैक्ट्स एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन. Then we could also see the market structure and demand. के जो business markets हैं उसकी structure क्या होगा और उसकी demand का level क्या होगा और उसकी type क्या होगी. पहली तो बात यह है कि जो business customers हैं उनका number थोड़ा होता है. There are fewer business buyers. दूसरा दो इनका अपना नंबर थोड़ा होता है लेकिन इनका बाइंग साइज बड़ा होता. मसलन अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि पूरे रीजन में या पूरे शहर में या पूरे इंडस्ट्रियल स्टेट में आपसे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज हैं उनकी तादाद चार हो, पांच हो, दस हो, बीस हो, लेकिन वो जो जितनी क्वांटिटी आपसे खरीदेंगे एक वक्त में वो बहुत ज्यादा, उसका साइज बहुत बड़ा है. तो इसलिए ये एलिमेंट जेन में रहना चाहिए कि जो बिजनेस मार्केट्स हैं उनका मार्केट स्ट्रक्चर और डिमांड में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कस्टमर्स थोड़े होंगे लेकिन हर कस्टमर जो है बिजनेस कस्टमर उसका साइज ऑफ बाइंग बहुत बड़ा होगा. जबकि ये बिल्कुल उल्टा है कस्टमर मार्केट्स कंज्यूमर मार्केट्स के. कंज्यूमर मार्केट्स जो है उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है लेकिन इंडिविजुअल कस्टमर्स परचेज जो है वो इन शेप ऑफ साइज एंड क्वांटिटी वो थोड़ी होती. दूसरी बात यह है कि जो बिजनेस मार्केट्स हैं वो ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं यानी कि एक मखसूस इलाके में मौजूद होती है. जैसे आप कहें ना कि टेक्सटाइल तो आपको पता है टेक्सटाइल जो है वो ज्यादातर कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कुछ हद तक मुल्तान इनमें कॉन्सेंट्रेटेड है. जबकि अगर आप कहें जी कि मैंने कोई वो बेचना है, अगर कोई आप टेक्सटाइल से रिलेटेड रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, केमिकल बेच रहे हैं, मशीनरी बेच रहे हैं, कोई डाइज बेच रहे हैं, तो आपको ये तीन दो तीन जगह जाना पड़ेगा. दैट्स इट एंड यू आर डन. लेकिन अगर कंज्यूमर मार्केट्स हैं लेट्स से पेप्सी है या कोक है तो देन होल पाकिस्तान इज द मार्केट. सो इट इज नॉट ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड, रादर इट इज ज्योग्राफिकली स्प्रेड. ये एक और मेजर डिफरेंस है बिजनेस मार्केट्स का और कंज्यूमर मार्केट्स का कि बिजनेस मार्केट्स जो होती हैं वो ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड होती है लेकिन कंज्यूमर मार्केट्स जो होती हैं वो ज्योग्राफिकली स्प्रेड होती है. तीसरा जो अहम एलिमेंट है वो है ड्राइव्ड डिमांड. यानी जो बिजनेस मार्केट्स की जो डिमांड है वो ड्राइव्ड होती है उनकी कंज्यूमर की मार्केट की डिमांड डायरेक्ट होती है और ये इनडायरेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टायर बना रहे हैं जो कि नई गाड़ियों के लिए, यू डोंट सेल द टायर्स टू द न्यू ओल्ड कार्स फॉर एग्जाम्पल एक बात कर लेते हैं, तो अब गाड़ी बिकेगी तो आपका टायर बिकेगा. ठीक है ना, अगर गाड़ी नहीं बिकेगी या गाड़ी की सेल कम हो जाएगी तो आपका टायर की सेल कम हो जाएगी. तो आपकी जो सेल है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है. इसी तरह और मिसाल ले लेते हैं, गाड़ी की मिसाल लेते हैं. चल के अच्छी ब्रांड की गाड़ी है, लेट्स से सिविक है, जो होंडा सिविक में जो बैटरी लग रही है वो वेट बैटरी नहीं है बल्कि ड्राई बैटरी. ड्राई बैटरी जो होती है वो थोड़ी मेंटेनेंस फ्री होती है लेकिन एक्सपेंसिव होती है.
तो वो आप जो है वो ड्राई बैटरी बना रहे हैं, तो अब जितनी होंडा सिविक बिकेगी उतनी आपकी ड्राई बैटरी बिकेगी। होंडा सिविक की सेल किसी वजह से कम हो जाती है तो आपकी ड्राई बैटरी की सेल कम हो जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट बिजनेस मार्केट्स डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, समझ आ गई बात? आवाज आ रही है? जी जी सर, ड्राइव डिमांड को जरा रिपीट कीजिएगा, बिजनेस मार्केट डिमांड को जो ड्राइव डिमांड कह रहा था। हाँ जी बताइए, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन ड्राइव डिमांड? सर जैसे आपने बताया कि होंडा सिविक की जब सेल होगी तो फिर ये बैटरी की भी सेल होगी, ये ड्राइव डिमांड के लिए आपने सर। अब आप एक ऐसा पुर्जा बना रहे हैं जो कि होंडा सिविक में लगता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी ड्राई बैटरी, ड्राई बैटरी थोड़ी महंगी होती है और मेंटेनेंस फ्री होती है, तो आप होंडा सिविक के लिए एक खास मखसूस जो किस्म की ड्राई बैटरी बना रहे हैं और होंडा कंपनी को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर वो जो है होंडा सिविक बिकेगी तो वो बैटरी बिकेगी। यस सर, बैटरी की इंडिविजुअल मार्केट नहीं है, इंडिविजुअल मार्केट नहीं। यस सर, ठीक है, सो इट इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड। आगे समझ आप? यस सर। चलो गुड, तीसरे नंबर पे है कि जो डिमांड है इसकी, उसके दो और करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो है इनइलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? Anybody would like to enlighten us on this? What is elasticity of demand? So, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वो डिमांड जो कि प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने से इफेक्ट होती हो। हाँ, इफेक्ट होती हो का मतलब ये है कि वो जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है ना कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये जो फीचर है डिमांड का, ये कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि बिजनेस मार्केट्स की जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो सकती है, कैसे? कि अगर तो जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसमें जो कंपोनेंट आप बना रहे हैं उसकी प्राइस में उसका बहुत ज्यादा अगर उसका शेयर नहीं है, मसलन जो टायर है या चले बैटरी है, बैटरी आप दे रहे हैं 5,000 रुपये, उसकी प्राइस बढ़ जाती है 5,000 से 6,000 रुपये, लेकिन होंडा सिविक जो है वो उसकी 1,000 रुपया प्राइस बढ़ने की वजह से अपनी गाड़ी की प्राइस तो नहीं बढ़ाएगा, उसको अपनी प्रॉफिट में अब्सॉर्ब करेगा, तो उस वजह से वो जो आपकी बैटरी की डिमांड है वो 1,000 रुपया बढ़ने की वजह से तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन बट स्टिल इट रिमेन्स इनइलास्टिक। बात समझ आई? यस सर। अगर तो जो आपकी सप्लाइड प्रोडक्ट है उसका कोई प्राइस कंट्रीब्यूशन फाइनल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब फाइनल जो जितनी भी कॉस्ट है उसकी, अगर उसकी कॉस्ट का 0.005% जो है वो बैटरी की कॉस्ट है, तो बढ़ भी जाएगी तो कंपनी जो है उसकी प्राइस को इंक्लूड नहीं करेगी उस अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में, तो रिजल्टेंटली उसकी डिमांड में कोई कमी या इजाफा
नहीं होगा, तो उसकी डिमांड जो है वो इन ए वे इनलास्टिक रहेगी। लेकिन इफ इट इज अदर वे राउंड, यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का एक मेन फीचर है वो प्रोडक्ट जो, या रॉ मटेरियल या आउटसोर्स प्रोडक्ट, और उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से आप फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो रिजल्टेंटली आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी, की डिमांड भी कम हो जाएगी। जैसे गाड़ी की मिसाल लेते हैं कि गाड़ी का जो इंजन है होंडा कंपनी जो है वो इंपोर्ट करती है, अब डॉलर बढ़ गया, गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस बढ़ गए, तो उन्होंने गाड़ी की प्राइस बढ़ा दी। अब गाड़ी की प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, गाड़ी की प्राइस बढ़ने से ये हुआ कि उसकी डिमांड कम हो गई, उसकी डिमांड कम हो गई तो वो जो इंजन आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। सो ये जो चूंकि डिमांड ड्राइव्ड है, इसलिए इसकी इसके जो फीचर है वो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। समटाइम्स द डिमांड ऑफ दीज बिजनेस प्रोडक्ट्स कुड बी फ्लक्चुएटिंग एंड समटाइम इट इज इनइलास्टिक। इट इज इनइलास्टिक व्हेन इट इज नॉट शिफ्टेड टू द कंज्यूमर, बट इट इज फ्लक्चुएटिंग व्हेन इट इज शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। होपफुली इट्स क्लियर नाउ। समझ आ गई? जी सर, जी सर। ग्रेट। अच्छा, लास्टली जो मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस मार्केट का जो फिफ्थ कंपोनेंट है वो है बायर एंड सेलर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर इनहिसार, एक दूसरे के बगैर ना रहना। तो ये कहता है कि चूंकि जो बायर होता है ना उसका साइज बहुत बड़ा होता है और जो सप्लायर होता है वो बहुत सारी चीजें बायर की मंशा के मुताबिक बना रहा होता है, उसकी मर्जी के मुताबिक बना रहा होता है, उसके दिए हुए करेक्टरिस्टिक्स और कैलिब्रेशन और फीचर्स के मुताबिक बना रहा होता है। तो इसलिए जो सेलर है उसके पास भी उस प्रोडक्ट का कोई और कस्टमर नहीं होता। देखे ना, एक सेलर है वो स्टेयरिंग व्हील बनाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो स्टेयरिंग व्हील जो है वो चूंकि बड़ा एक्सपर्ट है स्टेयरिंग व्हील्स बनाने में, तो वो होंडा को भी दे रहा है और टोयोटा को भी दे रहा है, एक ही बंदा दे रहा है या एक ही कंपनी दे रही है, ठीक है जी। तो वो अब अगर टोयोटा किसी वजह से उससे स्टेयरिंग व्हील लेने बंद कर देती है तो वो टोयोटा वाले जो स्टेयरिंग व्हील है वो होंडा को नहीं बेच सकता। उससे अगर वो टोयोटा उससे नहीं लेगा, उसका मॉडल चेंज हो गया, तो वो सारे अगर उसके पास कोई स्टॉक में पड़े हुए हैं तो वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए दोनों जो हैं बायर और सेलर वो बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ चलते हैं, जिसमें वो कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी आगे प्रोड्यूस होनी है, कब मॉडल चेंज होना है, ये अपनी सप्लाई चेन को वो इससे आगाह रखते हैं। एंड दे गो विद कंप्लीट कोलैबोरेशन बिकॉज बायर एंड सेलर आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। जिस तरह सेलर डिपेंडेंट है कि उसको प्रोडक्ट उसी से आनी है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और 10 साल से 5 साल से आ रही है, इसी तरह जो सेलर है उसकी भी डिपेंडेंसी है कि अगर वो उसका जो बायर है उससे खरीदारी बंद कर देगा तो उसके पास भी कोई और जगह नहीं है जहां जाके वो चीजें अपनी बेच सकेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट ये है बिजनेस मार्केट्स का कि जो डिसीजन पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है।
एंड देर आर मोर प्रोफेशनल परचेजिंग एफर्ट्स. अगर कंज्यूमर मार्केट है तो एक आदमी ने अपने लिए कोई चीज खरीदनी, मैंने खरीदनी है, आपने खरीदनी है, तो दिस इज योर ओन डिसीजन. लेकिन जहां पे कमर्शियल बाइंग है, आपको मालूम है कि एक अलहदा से बाइंग डिपार्टमेंट बना होता है, परचेज ऑफिस बना होता है, जिसके अंदर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड बायर्स होते हैं जो उसको असेस करते हैं, अपनी डिमांड को, जो भी ऑल्टरनेट अवेलेबल है रिसोर्सेस ऑफ सप्लायर्स उनको चेक करते हैं, और फिर उसके बाद वो डिसीजन करते हैं कि किससे खरीदारी करनी है, और फिर निगोशिएट करते हैं प्राइसेस पे, टर्म्स पे. सो इसीलिए हम कहते हैं कि डिसीजन मेकर्स की तादाद ज्यादा है और ज्यादा प्रोफेशनल परचेसिंग एफर्ट की जाती है वाइल एट द टाइम ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस.